ये ग्राफिक कार्ड ऑलमोस्ट पिछले 4 सालों से नॉनस्टॉप इथेरियम माइन करे जा रहा है। अब इसी महीने से सितंबर 2022 से इथेरियम पर माइनिंग ऑफिशियली बंद होने वाली है, क्योंकि इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर स्विच कर रहा है। अब इस जैसे जो मार्केट में करोड़ों ग्राफिक कार्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, उनका क्या होगा? वीडियो बनाते हुए इथेरियम ही मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल क्रिप्टोकरेंसी है माइन करने के लिए, लेकिन एज अ माइनर अगर आपने अपने हार्डवेयर पे खर्चा किया है तो डेफिनेटली आप अपनी माइनिंग रिग्स को कहीं ना कहीं तो स्विच करना चाहोगे जहां से आप अपने रिटर्न्स बढ़ा सको। हे फिनफार्मर्स, आई एम आर्यन मल्होत्रा एंड फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी क्रिप्टो करेंसीज में आपको अपनी माइनिंग रिग स्विच करनी चाहिए सबसे ज्यादा रिटर्न्स लेने के लिए। अब एक थंब रूल मैं आपको बता देता हूँ, नॉट जस्ट फॉर माइनर्स, एज ए इन्वेस्टर्स, एज ए ट्रेडर्स, ये आपके लिए भी है कि जो भी क्रिप्टो करेंसीज का एक नेटवर्क हैश रेट होता है वो उसके प्राइस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है कि जो इथेरियम माइनर्स जो दूसरे क्रिप्टोज पे माइग्रेट करेंगे तो आपको उसके प्राइस में एक इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ये वीडियो बनाते हुए मैं ऑलरेडी अपनी सारी की सारी माइनिंग रिग सिर्फ 2 ही क्रिप्टो करेंसीज पे शिफ्ट कर चुका हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 50-50 पावर के साथ, एंड इन्हीं 2 क्रिप्टो करेंसीज पे सबसे ज्यादा इथेरियम माइनर स्विच कर रहे हैं। अब उन 2 क्रिप्टो करेंसीज पे आने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ नंबर्स जो इथेरियम माइनर्स हैं जो अभी भी ये चाह रहे हैं कि हम आफ्टर इथेरियम मर्ज इथेरियम ही माइन करें। तब उन्होंने क्या किया, इथेरियम का एक नया हार्ड फोर्क निकाला है, दैट इज ETHWW, स्टैंड्स फॉर प्रूफ ऑफ वर्क। तो वो चेन इथेरियम ब्लॉकचेन का एक नया मॉडल बन जाएगा जिसमें अभी भी प्रूफ ऑफ वर्क कंटिन्यू होता रहेगा। आई पर्सनली बिलीव कि इथेरियम पर माइनिंग डेज अब खत्म हो चुके हैं, एंड जो भी ETHWW वर्जन है वो हो सकता है काफी हाईली अनस्टेबल भी हो। अब वो कौन सी 2 क्रिप्टो करेंसी है जिसपे मैंने अपनी माइनिंग रिग शिफ्ट करी है, एंड मेजोरिटी ऑफ द इथेरियम माइनर्स भी उन्हीं 2 नेटवर्क्स पे माइग्रेट कर रहे हैं। सबसे पहली इथेरियम क्लासिक। अब मेजॉरिटी लोगों को ये चीज नहीं पता है कि इथेरियम क्लासिक इज द ओरिजिनल इथेरियम। कहने का मतलब यह है 2015 पे इथेरियम पे एक डाओ हैक हुआ था, एंड जब वो डाओ हैक हुआ पूरी की पूरी इथेरियम कम्युनिटी 2 हिस्सों में बट गई थी। पहली कम्युनिटी वॉज लाइक कि इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस मिलने चाहिए, एंड इसलिए हमें एक हार्ड फोक करना चाहिए इथेरियम नेटवर्क पर। और जो दूसरी कम्युनिटी थी वो ये थी कि कोई हार्ड फोक नहीं होना चाहिए क्योंकि कोड इज लॉ, क्योंकि जितनी भी ब्लॉकचेन से काम करती है वो एक ही प्रिंसिपल पे काम कर रही होती है कि द कोड इज लॉ। तो 2015 में एक हार्ड फोक हुआ था इथेरियम ब्लॉकचेन पर, एंड जो भी कम्युनिटी ये चाह रही थी कि कोड इज लॉ तो वो ओरिजिनल ब्लॉकचेन के साथ ही रहे, एंड ओरिजिनल ब्लॉकचेन का नाम इथेरियम से इथेरियम क्लासिक हो गया, एंड जो नई ब्लॉकचेन थी उसका नाम इथेरियम ही रहा। इस पर हम डिनाई नहीं कर सकते कि इथेरियम अभी दुनिया में सबसे बड़ा डीफाई नेटवर्क है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, जो आपकी डीफाई एप्लीकेशंस, डीफाई सर्विसेज आपकी इथेरियम के साथ कंपैटिबल है वही सेम सर्विसेज इथेरियम क्लासिक के साथ भी कंपैटिबल है। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इथेरियम क्लासिक पे जो गैस फीस है अब ये वीडियो बनाते हैं लेस देन 20 पैसे है। सिर्फ यही नहीं, इथेरियम क्लासिक पर लिमिटेड सप्लाई है एज कम्पेयर टू इथेरियम जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड है। तो अब बात करते हैं दूसरी क्रिप्टो करेंसी की जिसपे मैंने अपनी माइनिंग रिग शिफ्ट करी, दैट इज बीम। अब बीम एक प्राइवेसी फोकस्ड क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन अनलाइक मोनेरो एंड जी कैश जिसमें सिर्फ आपका सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस और आपका बैलेंस कॉन्फिडेंशियल रहता है, बीम आपको एक कंप्लीट डीफाई वर्ल्ड प्रोवाइड करती है। सिमिलरली जैसे आप इथेरियम पर डीफाई सर्विसेज, डैप्स का फायदा उठाते हो, आप सेम चीजें कर सकते हो बीम पे बट विथ प्राइवेसी। अब प्राइवेसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपने इथेरियम पे सपोज एक एनएफटी बाय करी, अब उस एनएफटी के जरिए मैं आपका एड्रेस, मैं आपके एड्रेस पे स्टोर्ड बैलेंस, आपके पास ट्रांजैक्शन सब कुछ देख सकता हूं। अब बीम पे ये सारी चीजें ही बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहती है, मतलब कोई और नहीं देख सकता, एंड बीम ही दुनिया में सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी जिसने कॉन्फिडेंशियल एनएफटीज का कॉन्सेप्ट शुरू किया। कॉन्फिडेंशियल एनएफटी जिसका मैंने बात किया, अगर मैं बीम पे कोई एनएफटी खरीदता हूँ तो आप उस एनएफटी के जरिए ये पता नहीं लगा सकते कि मेरे पास और कौन सी एनएफटीज हैं, मेरे पास कितना बैलेंस है और मेरी ट्रांजैक्शंस क्या क्या हैं। एंड सिर्फ यही नहीं, आई पर्सनली बिलीव कि जैसे पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर स्विचिंग टू प्राइवेसी फोकस्ड क्रिप्टो करेंसीज जस्ट बिकॉज उनकी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टैक्सेशन लगा रही है, बहुत ज्यादा रिजिड पॉलिसीज लगा रही है। जैसे इंडिया में भी देखने को मिल सकता है आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा नो मैटर आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, 1% TDS, एंड आई गेस GST भी इंप्लीमेंट करने की ये सोच रहे हैं। तो ऐसे बहुत से नेशंस और भी हैं जो सेम सिमिलर रिजिड पॉलिसीज ला रहे हैं जो क्रिप्टो फ्रेंडली नेशंस नहीं है, तो वहां की पॉपुलेशन ऑलरेडी प्राइवेसी फोकस्ड क्रिप्टो करेंसीज पे शिफ्ट कर रही है। ये वीडियो बनाते हुए बीम पे इतने ज्यादा डैप्स अवेलेबल नहीं है,
लेकिन एक गुड थिंग मुझे ये लगती है बीम के बारे में कि बहुत ही जल्द उसमें ईवीएम कंपैटिबिलिटी शुरू होने वाली है। ईवीएम कंपैटिबिलिटी मतलब जिसके थ्रू आप इथेरियम पर डैप्स डिप्लॉय करते हो, आप सेम वही टेक्नोलॉजी का यूज करके बीम पर भी डैप्स डिप्लॉय कर पाओगे, क्योंकि अभी बीम पर जो है वो C++ यूज होती है, अनलाइक बाकी ब्लॉकचेन्स में जहां पे मेजॉरिटी आप सॉलिडिटी के थ्रू प्रोग्रामिंग करते हो। अब इन दो क्रिप्टो करेंसीज को छोड़ के एक तीसरी क्रिप्टो करेंसी दैट इज रेवन कॉइन, उस पर भी इथेरियम माइनर स्विच कर रहे हैं। लेकिन एज अ माइनर मुझे रेवन कॉइन में इतना पोटेंशियल नहीं दिखता है जितना मुझे इथेरियम क्लासिक और बीम में दिखता है। हो सकता है मैं गलत भी हूं, हो सकता है मैं सही भी हूं। ऑलराइट फिन फार्मर्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप अपनी माइनिंग रिग कौन से नेटवर्क पर स्विच करने वाले हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो बंद करते ही थम्स अप वाला बटन जरूर प्रेस हो जाना चाहिए, और ऐसे ही और कॉन्टेंट के लिए फिन फार्म को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।